हेलो बच्चों, सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों का हिंदी का नेक्स्ट क्लास लेने जा रही हूँ, क्लास फोर का हिंदी ग्रामर। मैं आप लोगों को पत्र लेखन करवा रही थी, मैं पत्र लेखन के आपको विधि बता रही थी कि किस तरह से आप लोग पत्र, कोई भी पत्र लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में औपचारिक पत्र या जिसको हम लोग फॉर्मल लेटर या फिर हम लोग उसका वेबसाइट लेटर भी कहते हैं, तो वो उसका नमूना मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप लोग उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, पहले आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, किस तरह आपको संबोधन करना है, किस तरह से अभिवादन करता है करना है, और उससे रिलेटेड मैंने एक पत्र उदाहरण के को देकर मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है। फिर मैं आप लोग को आज अनौपचारिक पत्र का नमूना बताऊँगी। अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है आपका व्यक्तिगत पत्र, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाऊंगी, पहले आपको क्या लिखना है, पत्र भेजने का पता, यानी आपको पहले आपको पता लिखना है कि जिसे आप लोग पत्र भेज रहे हैं उसे आपको उसका आपको पता यानी एड्रेस लिखना है। फिर है आपका पत्र भेजने का दिनांक, फिर आपको डेट, दिनांक यानी क्या होता है, आप लोग इसको डेट भी कह सकते हैं, तिथि, दिनांक को हम लोग तिथि भी कहते हैं। फिर हो गया संबोधन, संबोधन आप लोग कैसे करेंगे, जैसे आप लोग जब संबोधन करेंगे, जब हम लोग बड़ों को करते हैं तो फिर क्या करते हैं, पूज्य पूज्यनीय आदि। फिर जब आप लोग आदरणीय भी कर सकते हैं, और जब आप लोग अपने से छोटों को करते हैं तो फिर क्या कहते हैं, प्रियवर। मैं आपको एक एक उदाहरण दे रही हूँ, प्रियवर, फिर आयुष्मान, फिर है आपका जब आप लोग अपने मित्र या फिर सहपाठी को करते हैं तो फिर आप लोग क्या करते हैं, प्रिय मित्र या फिर प्रियवर, और जब आप लोग किसी अधिकारियों के लिए करते हैं तो या फिर श्रीमान या फिर मान्यवर, या फिर किसी व्यवसाय को करते हैं तब भी आप लोग इसको श्रीमान या फिर श्रीमती या फिर महाशय कर सकते हैं। फिर हो गया अभिवादन, अभिवादन में आप लोग क्या कीजिए, क्या करते हैं, जो अपने से बड़े होते हैं उसका हम क्या कहते हैं, चरण स्पर्श, और जब आप लोग छोटे हैं चरण स्पर्श कर सकते हैं या फिर सादर प्रणाम लिख सकते हैं, और छोटा होगा तो फिर उसको चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। फिर हो गया आपका, जब आपका ये अपने से, जब आपके मित्र को आप लोग कहेंगे अभिवादन तब पे क्या कीजिएगा, नमस्ते या फिर नमस्कार, सहपाठी हो या फिर आपका मित्र हो, और जब भी किसी अधिकारी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नमस्ते। और व्यापारियों के लिए भी हम लोग नमस्ते ही लिखते हैं। तो इस तरह से कुछ अभिवादन और संबोधन से रिलेटेड कुछ शब्द है जो आपको ये याद रखना है। फिर है मुख्य संदेश, यानी जब भी आप लोग कोई पत्र लिखेंगे तो आपको जो मुख्य संदेश है, आपको जो मेन चीज़ लिखना है वो आपको याद रखना है, आपको दो आपका दो पैरा में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको दो पैरा में यहाँ पर दिखाया गया है, या फिर अक्सर कहते हैं पैराग्राफ, यानी दो अनुच्छेद में आपको होना चाहिए, दो या फिर तीन, ठीक है। फिर समापन आपको कैसा लिखना है, लास्ट में आपको समापन लिखना है, और फिर आपको लिखना है पत्र भेजने वाले का पता, यहाँ पर जो पत्र भेजने वाले का आपको पता लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको एक पत्र लिख के मैं आपको दिखाई हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। जैसे आपका पहला है, देखिए ये आपको क्या है, पता, इसको हम लोग कह सकते हैं पता, आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है। फिर है आपका, ये क्या है आपका, दिनांक या फिर तिथि। फिर नेक्स्ट है आपका ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संबोधन, फिर है सस्नेह नमस्ते, ये आपका आपका अभिवादन, और ये जो पूरा है, ये जो आपको क्या लिखना है इसको हम लोग रखते हैं मुख्य संदेश, मैं यहां आपको लिख दे रही हूं मुख्य
संडेज, उसके बाद है आपका समापन, समापन, और ये हो गया आपका पत्र भेजने वाले का पता। तो फिर क्या लिखे हैं, पहले मैंने पता में क्या लिखा है, पता 25 विजयनगर पानीपत, ये आपका पता हो गया 7 दिसंबर 2020, ये आपका दिनांक हो गया। फिर संबोधन क्या है, प्रिय सखी प्रीति, तो ये जो पत्र है धन्यवाद पत्र है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर है सा स्नेह नमस्ते, ये आपका क्या हो गया अभिवादन। फिर मुख्य संदेश क्या है, तुम्हारा भेजा हुआ जन्मदिन का उपहार मिला, यह सुंदर पौधा मुझे मिले उपहारों में सबसे अनोखा उपहार है, मैंने उसी समय उस पौधे को अपने बगीचे पे लगा दिया था, अब मैं इसकी खूब देखभाल करूंगी। तो ये मुख्य संदेश क्या हुआ है कि उसके मित्र ने उसे जो पत्र भेजा था वो उसे काफ़ी पसंद आया है और वो उस पत्र उपहार के लिए अपने मित्र को वो एक धन्यवाद पत्र लिखती है। तो ये आपका मुख्य संदेश है। फिर क्या है, तुम्हारी माता जी को तबीयत अब कैसी है लिखना और उनका बाबू जी को मेरा प्रणाम कहना, ये आपको मुख्य संदेश में आता है। फिर आपका समापन क्या है, आशा है इस पौधे के साथ साथ हमारी दोस्ती भी बढ़ेगी, ठीक है, इस तरह से वो समाप्त करती है। फिर लास्ट में है पत्र भेजने वाले का पता, तुम्हारी अपनी मित्र भी कर सकते हैं नेहा। तो ये आपको इस तरह से आपको ये मैंने आपको एक अनौपचारिक पत्र का आपको नमूना बता दिया है उदाहरण देके, तो आपको इसी तरह से आपको लिखना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ग्रामर में आपको कहाँ तक आपको पेज नंबर आपको किताब में जो दिया है वो भी देखना, मैं भी बताऊँगी आपकी किताब में देखिए जो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सभी एक एक अनुच्छेद में दिया गया एक पैराग्राफ, आपको कोशिश करना है कि आपको नियम है कि आपको एटलीस्ट 2 पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया है। धन्यवाद।